हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों आज से आप लोगों के लिए शुरू होने जा रही है यूपी जीके की महाकाल सीरीज, जो आपके एग्ज़ाम की डेट से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको यानी कि वन रक्षक भर्ती को लेकर टारगेट करके यह वीडियो बनाई जा रही है, जो आपका फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम में पता है कि आप लोगों को कि जीके जीएस का काफ़ी रोल है, यानी कि 60 नंबर की आपकी जीके जीएस पूछी जा रही से जा रही है, जिसमें यूपी के करंट क्वेश्चन जो आपके हैं कितने 12 नंबर के, 10 से 12 नंबर के आपके क्वेश्चंस यूपी जीके के पूछे जाएंगे। तो यूपी जीके का यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल है, तो उसके लिए आज से आप लोगों के लिए यूपी जीके महाकाल सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। तो आप सभी लोग एक बार महाकाल का नाम लेकर पहला क्वेश्चन पे आते हैं। जय महाकाल। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बताइएगा, आप लोग हिंदी की तैयारी बहुत बढ़िया आप लोगों को चल रही होगी, तो हिंदी में बताइए महाकाल किसका पर्यायवाची होता है। सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, बताइए कहाँ से मिले हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल्डी हवा से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू की बात करेंगे, वेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देश में कराई गई, बताइए किसके निर्देश में कराई गई। तो बात करेंगे प्रोफेसर जी आर शर्मा की, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पे डी सही हो जाएगा। भाई सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा भाई लोग, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं हम यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में आते हैं आपके कंटेंट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, पुरापाषाणकालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्राप्त है, यानी कि कहाँ से प्राप्त है ये, प्रयागराज से, प्रयागराज इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम पहले इलाहाबाद था, अब बदल कर क्या हो गया है, प्रयागराज रख दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर चार का सभी लोग आंसर देंगे, तो कोली डीहा, यानी कि बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। सभी लोग जितने भी नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जैसे जिसने जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच की बात करेंगे, राज्य के किस जिले या किन जिलों से पुरापाषाणकालिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताइए कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चंदौली से, प्रयागराज से, सोनभद्र से, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि तीनों जगह से प्राप्त हैं। चलिए बहुत ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर छः जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम में, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाए। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी से, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सात की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है, बताइए ताम्रपाषाणिक, क्वेश्चन नंबर सात का आंसर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि सहारनपुर से, कहाँ से, सहारनपुर से। आप सभी लोग देखिए, ये जो वीडियो है उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम डेट को एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो लोग बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी है, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम है, सबके लिए या सब में यूपी जी के पूछे थे, सबके लिए बेहद है, आप लोग इसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। मध्यपाषाणकालीन स्थल सराय नहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, बताइए किस जनपद में है उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतापगढ़ में का, हाँ प्रतापगढ़ में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करेंगे, राज्य के किस जिले में, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर टेन पे आ जाएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, मोस्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है,
बताइए कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगी, लोह दानला आप क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है, तो ये आपका मेरठ में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चेंदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देना है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि बांदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो बात करेंगे कौशल की, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, काशी भी है उत्तर प्रदेश में, सूरसेन भी उत्तर प्रदेश में है, अंग यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था, बताइए कपिल वस्तु कहाँ अवस्थित था, तो इसका राइट आंसर सभी लोग देंगे, तो इसका राइट आंसर आपका सिद्धार्थ नगर जितने लोग बता रहे हैं वो सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के भूभाग में स्थित थे, बताइए कितने हैं, 8, 5, 7, 6, इन चारों में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल सही आपको जितने लोग 8 नंबर आंसर दे रहे हैं यानी कि 8 वो सही हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, पंचाल महाजनपद की दक्षिणी राजधानी कांपिला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है, सभी लोग जो सीरीज चल रही है इसमें ज़रूर लास्ट में एक कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन इस सीरीज में आपके सही हुए हैं, ठीक है। हाँ तो कहाँ ये फर्रुखाबाद, कहाँ है फर्रुखाबाद में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म का पालन किस राज्य को कहा जाता है, बौद्ध धर्म का पालन किस राज्य को कहा जाता है, तो किस राज्य को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और ये लेखपाल में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश के कितने मुख्य गणराज्य हैं, बताइए कितने मुख्य गणराज्य हैं, तो आपके 7 मुख्य गणराज्य हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, यहाँ पे महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था कौन सा था, तो ये आपका मथुरा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 21 और 22 नंबर दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और इन फिर बताना है आपको 20 क्वेश्चन मैंने कराया है तो 20 में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर बताना, और 21 और 22 नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, फिर इसके दोनों का आंसर कल आपको नेक्स्ट सीरीज में आपके राइट आंसर बताए जाएंगे। तो सभी लोग एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।